हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, है ना। चैप्टर नंबर 12 अनुस्वार की मात्रा, है ना, अनुस्वार अंग। इसके पहले वाले वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? औ की मात्रा। तो औ के बाद क्या आता है? अनुस्वार यानी अंग की मात्रा, है ना। अंग की मात्रा आज हम पढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अनुस्वार की मात्रा, अंग की मात्रा, चलिए आइए इधर देखते हैं। अनुस्वार का प्रयोग, ठीक, अनुस्वार का प्रयोग। तो अनुस्वार का प्रयोग जो है वो पहले हम बता देते हैं, किसी भी अक्षर के ऊपर में ऐसे किया जाता है। बस एक छोटा सा पॉइंट होता है देना, इस तरह से। जैसे आप क लिखे हो तो क पर अगर दे देते तो इसका अनुस्वार उच्चारण होता है अंग, ठीक। तो क में अगर हम अनुस्वार देते हैं तो क्या बनता है? कंग। ग में देते हैं तो क्या बनता है? गंग। उसी का उच्चारण आपको यहाँ समझना है। फिर देखो यहाँ है, इस तरह से यहाँ कुछ बने हुए शब्द दिए गए हैं, चित्र सहित हैं। पंख, है ना, प पर अनुस्वार की मात्रा का प्रयोग है तो क्या हो गया? पंख। उसी तरह से यहाँ ह पर अनुस्वार की मात्रा का प्रयोग है तो क्या हो गया? हंस। फिर यहाँ है पंखा, ठीक, यहाँ है पंखा। फिर है बंदर, ब पर देखो अनुस्वार की मात्रा का प्रयोग है तो क्या बन गया? बंदर। इसे आपको बार बार पढ़ना है, समझना है और इसके उच्चारण को भी समझना है। फिर देखिए, समझिए और पढ़िए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, अनुस्वार की मात्रा का प्रयोग है इसमें, इसे आपको पढ़ना और समझना है, ठीक। पंच, दो अक्षर वाले शब्द हैं, इसे आप बार बार पढ़ोगे, ठीक, बार बार पढ़ोगे, रिपीट करोगे, तभी आपको मात्रा का उच्चारण जो है वो सही से समझ में आएगा कि कहाँ क्या लगने पर उसका उच्चारण क्या होता है। देखो, प पर अनुस्वार की मात्रा तो क्या हो गया? पंच, मंच, ठंड, दंड। देखो किस तरह से अनुस्वार लगने पर दन, ठन, मन, पन, इस तरह से हम बोल रहे हैं। तो पंच, मंच, दंड, ठंड, इस तरह से, है ना। फिर यहाँ देखो है तंग, त पर अनुस्वार की मात्रा तंग, भ पर अनुस्वार की मात्रा भंग, अंग, जंग, इस तरह से होता है। फिर ये देखो यहाँ अप अनुस्वार की मात्रा अंडा, अंडा। फिर यहाँ डंडा। फिर यहाँ है चंगा। फिर यहाँ है दंगा। इस तरह से आपको ये बार बार पढ़ना है। फिर बोलिए और अंतर समझिए। यहाँ देखो कुछ शब्द दिए गए हैं, एक में अनुस्वार का प्रयोग है और एक में नहीं है, तो किस तरह से दोनों का अंतर बदल जाता है यह आपको देखना है। यहाँ देखो जग, जग, है ना, जग भी एक शब्द है। फिर यहाँ देखो अनुस्वार का प्रयोग किया गया तो किस तरह से देखो बदल गया ये अर्थ, जंग क्या बन गया? ये जग है और ये क्या बन गया? जंग। इसी तरह से यहाँ देखो ये मद है और यहाँ क्या हो गया? मंद, मद, मंद। फिर यहाँ बद है, बंद, कश, कंस, है ना। इस तरह से आपको पढ़ना है और इसके अंतर को समझना है। आइए पढ़ें चिड़ियाघर की सैर, है ना। यहाँ चिड़ियाघर की सैर करने चलना है। देखो चिड़ियाघर की सैर, देखो मंगलवार का दिन था। कौन सा दिन था? मंगलवार का। यहाँ भी देखो मंगलवार में भी है ना अनुस्वार की मात्रा का प्रयोग। देखो संजय, कंचन, रंजन और गंगा। संजय, कंचन, रंजन, गंगा, सब में देखो अनुस्वार की मात्रा का प्रयोग है। चिड़ियाघर घूमने गए, कहाँ गए सब मिलकर? चिड़ियाघर, ठीक। अंदर जाते ही एक तालाब था। तालाब का मतलब समझते हो, जो पानी वाला होता है। उसमें बत्तखें तैर रही थी, उसमें जो है वो बत्तखें तैर रही थी। वे कुछ दूर चले यानी कुछ दूर जाते हैं। उधर एक पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर दिखाई दिया। जब वो लोग कुछ दूर जाते हैं तो उन्हें क्या दिखता है? नाचता हुआ मोर, है ना। गंगा बोली, देखो देखो कितना सुंदर मोर है। गंगा क्या बोलती है? देखो देखो कितना सुंदर मोर है। सबने सुंदर मोर देखा। फिर बंदर, लंगूर और रंग बिरंगे पक्षी देखे। सब क्या किए? पहले रंग सुंदर मोर देखे, फिर बंदर, लंगूर और रंग बिरंगे पक्षी देखे। एक बंदर जो था वो पेड़ पर लटक रहा था, है ना। चिड़ियाघर में सभी को बहुत आनंद आया। फिर सबने एक साथ बैठकर भोजन किया। संजय और कंचन ने हाथी की सवारी भी की। देखो दोनों, संजय और कंचन, कौन किया हाथी की सवारी? संजय और कंचन। फिर सब खुशी खुशी घर लौट आए। जब घूम लिए चिड़ियाघर तो खुशी खो करके सब घर लौट आए, ठीक। फिर देखिए, आइए अभ्यास करें। रंगीन वर्णों पर अनुस्वार लगाना है आपको। जो रंगीन है, जो वर्ण रंगीन है उस पर आपको अनुस्वार लगाना है। जैसे अंक पर देखो लगा हुआ है ना, अपर,
उसी तरह से यहाँ दग में देखो कौन सा वर्ण जो है वो रंगीन है, द है, तो आप द पर अनुस्वार की मात्रा लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, दंग। ठीक, फिर उसी तरह से म दीर, तो देखो म रंगीन है तो म पर लगा दोगे मंदिर, फिर यहाँ प पर लग जाएगा पंख, संग, अंकुर, अंगीठी, बंगाल, मंगलवार, संतरा, संदीप, हिंदी, ह पर लगेगा गंगा, फिर यहाँ पतंग, त पर लग जाएगा दंगल, द पर लग जाएगा। ओके, इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेना है। फिर सप्ताह के दिनों को पूरा कीजिए, देखो यहाँ सोमवार लिखा हुआ है तो आप यहाँ क्या लिखोगे, मंगलवार, मंगलवार यहाँ लिखा हुआ भी है, फिर बुधवार, बुधवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार, है ना, फिर शुक्रवार और यहाँ क्या आ जाएगा, शनिवार। इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है लिखकर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आइए बातचीत करें हमें पशु पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये आपको पता होगा पशु पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो पशु पक्षियों के साथ हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, उसे भी उसी तरह से आज़ाद रखना चाहिए जैसे हम रहना चाहते हैं, जिस तरह से हम आज़ाद रहना चाहते हैं उसी तरह से पशु पक्षियों को भी हमें आज़ाद रखना चाहिए और उन्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्वक उनके साथ रहना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए उनसे, वो भी हमारे साथ वैसे ही रहेंगे तो। ठीक है, फिर देखिए चिड़ियाघर में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले हम बता दें कि चिड़ियाघर में हमें अगर हम पशु पक्षियों को देखने जाते हैं तो हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उन्हें परेशान करते हैं, देखने जाते हैं उन्हें तो कोई ईंट मारता है, कोई कुछ फेंकता है, इस तरह से पशु पक्षी जो है वो परेशान होते हैं, वो चिढ़ते हैं, उन्हें हमें चिढ़ाना नहीं चाहिए। और फिर एक बात और कि हाँ, हमें यहाँ वहाँ गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, कुछ खाए तो रैपर इधर फेंक दिए, कुछ रैपर उधर फेंक दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा डस्टबिन पर ही डालना चाहिए क्योंकि हमें सफाई का ध्यान हर जगह रखना चाहिए। फिर चित्र देखकर जो सही है उस पर टिक लगाइए, यहाँ दो चित्र दिए गए हैं, दोनों में से जो सही है आप उस पर टिक लगाओगे, है ना। ये देखो एक चित्र है, उसमें एक कैद में है, एक पिंजरे में है तोता है, और एक आज़ाद घूम रहा है, तो कौन सही है, ये सही होगा, पिंजरे में बंद रखना पशु पक्षियों को अच्छी बात नहीं होती है, तो ये सही होगा, है ना। फिर देखिए आइए कुछ करें, नीचे दिखाए गए चित्र के अनुसार एक कागज़ को आगे पीछे मोड़कर हाथ से चलने वाला कागज़ का पंखा तैयार कीजिए, तो एक आपको कागज़ लेना है स्क्वायर टाइप का, और देखो किस तरह से यहाँ मोड़ा हुआ है एक लेडर टाइप से, है ना, इस तरह से आपको मोड़ना है, फोल्ड करना है, फोल्ड करके देखो यहाँ पर जैसे ये चिपकाया हुआ है, इसको इसका जो कॉर्नर होता है इसे आप चिपका लोगे, बहुत ही अच्छा पंखा आपका तैयार हो जाएगा, आप इसे खुद से अपने हाथों से मतलब कर सकते हो यूज। फिर देखिए गुनगुनाइए चंदू की पतंग, है ना, क्या है, चंदू की पतंग, यहाँ एक कविता है चंदू की पतंग, अनुस्वार की मात्रा का प्रयोग किया गया है इसमें, इसे गुनगुनाते हैं, हम गुनगुनाते हैं पहले उसके बाद आप कहिएगा, चंदू लाया एक पतंग, चंदू लाया एक पतंग, उड़ती जाती हवा के संग, हरे पीले लाल है रंग, उड़ती सदा डोर के संग, है ना, चंदू लाया एक पतंग, उड़ती जाती हवा के संग, हरे पीले लाल है रंग, उड़ती सदा डोर के संग। फिर है, जब भी चंदू पींच लड़ाता पतंग नंदू की काट गिराता, है ना, जब भी चंदू पींच लड़ाता पतंग नंदू की काट गिराता, लोग देख रह जाते दंग, लोग देख कर रह जाते दंग, ऐसी अजब चंदू की पतंग, ऐसी अजब चंदू की पतंग, है ना। इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेना, बार बार इसे पढ़ना है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त होता है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।